आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है, 10,000 से ज़्यादा लड़का भीड़ है, पूरे मैदान खचाखच भरा हुआ है और 300 पुलिस। क्या बोलो, देखिए लो पहले छोटू भागती ने छोड़ी मन कर ली, जायल बात करे आपकी कोई बतिया नहीं ये बतिया छोड़ने करना होगा, करना होगा। पूरी तरह से बता रहे हैं दादा, हम जोर फाट कर कर दिया है कि केस देना है किसी प्रकार से, लेकिन ये लड़के लोग मानने वाले नहीं है, परीक्षा रद्द में रहे। पेन ड्राइव में सब लोग सब हम लोगों ने पेन ड्राइव में एक बता रहे कि ये पैटर्न फॉलो किए, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी फॉलो किए, आप सही किए, लेकिन क्वेश्चन हुआ जो साइड से एक तो दे दिए हैं इसको, उसका फॉलो कहाँ से होगा, वो तो चला गया। लेकिन मतलब कि कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर पहले से बता दिया, ये तो हाँ ये तो सही बात है, क्वेश्चन दे दिया गया, दो वे में ये सेट हुआ, एक तो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कटवाया, और हुआ क्या है ना कि ये तब भी नहीं पता चलता क्योंकि डायरेक्टली वो सेंटर पर किया, एग्जाम दिया, हुआ क्या है कि लड़का लोग के ही थ्रू से ये लिंक हुआ है, क्योंकि लड़का लोग क्या किया कि वहाँ से तो हमने लिए आंसर, हमको तो अगर 150 क्वेश्चन रटेंगे तो 50 को तो याद रहेगा ना मुझे वाली, तो हम अपना फ्रेंड को बोल दिए कि अरे 5,00,000 रुपया हम रहते हैं ना, 50 का क्वेश्चन हम तुमको बता दे रहे हैं। मैंने जो आप लोग बात कर रहे हैं इसका जो यूट्यूब में जो शेयर हुआ या फेसबुक सोशल मीडिया में जो शेयर एंसर अगर हम 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का एंसर हम लिखे हैं और वही आएगा, इसका मतलब क्या है, मतलब तुक्का है, पॉसिबल है? नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने दिया एग्जाम? हाँ मैंने दिया है, मेरा जमशेदपुर में, जमशेदपुर में था, नहीं नहीं जमशेदपुर रहने वाले, कहाँ के आप? हम तो पलामू के, पलामू से आए हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो अपलोड हुआ है क्वेश्चन, जो अपलोड हुआ जो सोशल मीडिया में, आप कह रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेट बंद था बाद में अपलोड हुआ, तो अपलोड करने वाले की जांच होनी चाहिए सबसे पहले। आ रहा लड़का बोल रहा है जिसने फोटो खींचा है ना, वो तो बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल आप ले जाइए जाके फोरेंसिक जांच करवाइए, पूरा हम लोग ज्यादा और क्या कोई बोल सकता है। अगर हमने क्लिक किया 7 बजे तो उसका तो टाइम आ जाएगा, क्या क्या क्लिक किया क्वेश्चन ये रटा, इसने मेरे को इन्फॉर्म किया, मैं खड़ा था वहीं पे, मैंने 50 क्वेश्चन रट लिया, ये उतार लिया, लिख लिया, ठीक है, लिखने के बाद एसओपी में मेंशनिंग ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। मैथ का 20 क्वेश्चन सीजीएल 2022 का था, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आईबीपीएस का था, डिप्टो एकदम एक ही शिफ्ट का। अब कल प्रशांत सर ने बोला कि मैं रैंडम हो सकता है, ठीक है, रैंडम क्या कोइंसिडेंस टोटली हो जाता है। अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कि 6 सेट क्वेश्चन बना, 6 बंडल बना ना, फिर रैंडमली एक सेट को उठा करके फिर एग्जाम में दे दिया गया, 2 सेट 2 दिन हुआ था, तो ठीक है। तो अगर हम जब क्वेश्चन सेट कर रहे थे तो 6 बंडल होगा, तो 6 बंडल में क्या 6 बंडल में 6 शिफ्ट सीजीएल का क्वेश्चन 20 का 20 डाल दिया गया। सन्नी भैया जब पूछे कि 20 में से 16 को क्वेश्चन आपका मैच कर रहा था, तो वो कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है जब 6 सेट दिया, पार्टी सब सेम है, अब तक 22 नहीं है, तो मिसमैच होता है फिर जब हम 6 में से अगर एक को भी काउंट करेंगे तो ये भी बनता है कि 100% पॉसिबिलिटी किसी चीज का नहीं होता है।
रैंडम चॉइस में 100% कभी हुआ है? अगर टॉस भी फेंकते हैं तब भी 50-50 का चांस है। तो आप 20 का 20 क्वेश्चन मैथ कैसे एक डिटो आ सकता है? रीजनिंग का भी एक शिफ्ट का, अभी एक शिफ्ट का आ जाएगा मैथ रीजनिंग। आप यूपीएससी सीसेट का पेपर डिटो डाल दे रहे हैं, हमारा हिंदी था, हिंदी में सीधे आप क्या यूजीसी नेट का क्वेश्चन, यूजीसी का नेट का क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, तो सिलेबस क्यों देते हैं? फिर सिलेबस मत दीजिए ना, सीधे बोल दीजिए कि हम लोग नेट जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का पेपर आएगा। वो सीसीटीवी के निगाह में गलत है, 100 में तो 100 एग्जामिनेशन सेंटर में आपको आपका कहना है कि पेपर पहले दे दिया गया जिनको देना था? बिल्कुल, हमारे पास टोटल 150 रुपए हो गया। यूपीएससी सीसेट बोल दिया गया कि पेपर वन क्वालिफाई है तुम्हारा, छात्र वो है यहाँ पे कितने बार हिंदी सीधे बाहर हो जाएंगे। बहुत खुलेआम झूठ बोल, बहुत झूठ बोल, उन्होंने झूठ बोला कि हम आईटी किए हैं, यूपीएससी किए हैं, उन्होंने खुद बोला झूठ बोला किया, यूपीएससी किया, तो उन्होंने कभी आपको ऐसा किया है जहाँ पे 2019 का पूरा मैथ उठा लिया गया, 2019 का पूरा रीजनिंग उठा लिया गया, यूपीएससी का पूरा जीएस उठा लिया गया, यूजीसी नेट का पूरा हिंदी उठा लिया गया। भैया प्रणाम, आपने एग्जाम लिखा था, तो एक बात बताइए कि आपने कब लिखा था? ये अब एक दो क्वेश्चन टैली कर सकता है, मान सकते हैं, सब क्या होगा भाई, सब होगा एक दो क्वेश्चन, लेकिन ये क्या किया 2019 का पूरा क्वेश्चन मैथ का, एसएससी सीजीएल का, 2021 का ना मैथ पूरा उठा लिया, आईबीपीएस का पूरा कंप्यूटर उठा लिया, वो भी वन ईयर का, ये आगे पीछे नहीं, डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट, डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट, खुलेआम झूठ बोलते हैं प्रशांत कुमार, खुलेआम झूठ बोले मीडिया के सामने, लेकिन मीडिया है उन लोग से प्रश्न नहीं पूछा कि आखिर प्रश्न पूछना है तो क्या पूछ रहे, ये मीडिया को भी नहीं पता था। प्रशांत कुमार खुलेआम बुलाए सबको 2:30 बजे की आइए, हम बुला रहे हैं सब लोग करेंगे, लेकिन प्रशांत कुमार खुलेआम झूठ बोलकर चले गए, वो आईटी दिए, यूपीएससी किए, उनसे पूछिएगा। और फॉल्ट इसका देखिए, मैथ में जो था एक क्वेश्चन ट्रिको का आया था, ठीक है, वो सीजीएल वाला क्लेम करने पे उसको कैंसिल भी किया है क्वेश्चन, ठीक है, और वही क्वेश्चन सेम दिए हैं और वो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन भी वो क्वेश्चन का ऑप्शन भी सेम था, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नो रिजल्ट आएगा, नो रिजल्ट आएगा, ऑप्शन भी नो रिजल्ट आएगा। तीन लड़का है, तीन लड़का मौजूद है, तीन लड़का के पास एग्जाम होने से पहले ही उन लोग के पास मोबाइल भी मोबाइल का टाइम होता है, तो जाँच कर चल जाते हैं, जाँच करने के तीन अलग अलग जगह पर लीक हुआ है। सबसे पहली बात वो लोग नहीं मानेगा, तो हम भी जाकर नहीं मानेगा, ऐसे ऐसे बोल देगा, पेपर लीक हुआ है ना भाई, तीन लड़का है, तीन लड़का आपके सामने गवाह बनने के लिए तैयार है, तो कह रहा है कि हाँ मेरे मोबाइल में आप चेक कीजिए, और ये हम कब लिए हैं, एग्जाम होने से एक घंटा पहले, 4:00 बजे सुबह हम लिए हैं, तीन तीन गवाह है, और एक एक अगर पेपर तीन जगह से हमको सबूत मिल सकता है, और जगह हम लोग एग्जाम सामान एग्जाम हम लोग देते हैं, कहीं से भी एक ही जगह का रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन कुछ कुछ रैंडम रहता है, रिपीट होता है, ऑप्शन रिपीट होता है, बहुत सारा चीज रहता है, पर यहाँ से 16 का क्वेश्चन रीजनिंग से, 16 का क्वेश्चन मैथ से, सब लेंथी पेपर का था, इन लोग व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने
समझाने के लिए जो क्वेश्चन सेट किया है वो उन लोगों को पता था। इस तरह से इस बार सेटिंग हुआ है, सेटिंग गेटिंग का काम हुआ है। हम लोग झारखंडी का गरीब आदमी झारखंडी का युवा मूलवासी आदिवासी यहाँ मरा रहा है, कोई मतलब नहीं। हेमंत सोरेन को युवा के बारे में एक बार बात बोलते हैं, आइएगा ना महाराज चुनाव में। इस बार चुनाव मैनिफेस्टियो में क्या बोलिएगा? अगले बार तो बोले था 5-5 लाख देंगे, इस बार क्या बोलिए 50 लाख देंगे नौकरी। है वो कहा था आपका 50 लाख नौकरी देने का, अगले बार बोलते 5-5 लाख नौकरी, उस बार का 25 लाख, अगले साल का 5 साल। अरे इस बार आप आइएगा चुनाव मैनिफेस्टियो में क्या कही, 50 लाख देंगे, 5 लाख 50 हजार, 5 हजार नौकरी भी हेमंत सोरेन ने दिया, कहाँ से हेमंत सोरेन गिरवाए 10 दिन में 8 साल आपको लग जाता है एग्जाम पूरा कंडक्ट करवाने में, और कहते हैं कि हम 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे। कहे इतनी हड़बड़ी है, का चीज का हड़बड़ी है? सब जो पैसा दिया है उसका और गरीब का यहाँ झारखंड में कोई जगह नहीं है। हम आए ना, तो आएंगे तो आएंगे। रहा है बहुत सारा प्रूफ है, रीजनिंग का क्वेश्चन साढ़े आठ बजे से तो आपसे पहले ये आंसर आपको कहाँ से मिल गया? जो जो यहाँ पे लिखा हुआ, जो लिखा हुआ ऐसे क्लिक किया गया, सारा का सारा देखिए आया क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जा रहा है। सही सही पूरा आंसर बाप कैसे निकल आया इन लोग, हम लोग बनाया भी नहीं है, सब वायरल हो रहा है। सब देखिए इसका रोल नंबर भी आप लोग पता कीजिएगा, देखिए यहाँ रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर उसका लड़का है, रोल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, नेम दिख रहा है, आधा दिख रहा है। देखिए आंसर देखिए पूरा सही सही आंसर, इतना मान लीजिए 50-60 को आंसर सही सही कर लेगा तो हम लोग कहाँ कंपटीशन में रहेंगे जी, हम लोग कैसे फेंका जाएंगे बाहर। 150 कोई दिक्कत नहीं था, हार्ट था सबके लिए, हार्ट होता वो मान्य होता, पर यहाँ कोई एक कोई यहाँ व्यक्ति विशेष को एकदम फायदा पहुँचाने के लिए सब जाहिर हो रहा है, यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ रीजनिंग का देखिए लिखा हुआ है, मैथ का लिखा हुआ है, ये आप देखिए पूरा झारखंड जी कैसे चोरी करवाने का नया पैटर्न आया, देखिए जगह से सेट किया गया, लातेहार है, गुमला है, सारा का सारा लाइन सही सही लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात है सही से। और वो भी एग्जाम होने से पहले कहाँ से आसमान फट के निकला, आकाशवाणी हुआ था कि जमीन फट के निकला था, इंटरनेट तो बंद कर दिया गया था, फिर चोरी छिपाने के लिए बंद किया गया था, जान के किया गया था बंद, मीडिया कवर नहीं है, वायरल नहीं है, इसलिए पिछला बार जो हुआ उसको दबाने के लिए एक ही जगह से क्वेश्चन 40-60 क्वेश्चन एक ही बच्चे रिपीट कर जा रहा है, क्वेश्चन नहीं आता, दो चार क्वेश्चन प्रीवियसर का रिपीट करता है, 40-60 क्वेश्चन रिपीट करता है, यूपीएससी का सीसेट का पेपर दे दिया है, पेपर को इतना टफ बना दिया गया है, जानबूझ के लड़का कॉइन बैंक पेपर में ही पास नहीं करा। सबसे पहली बात कल देखिए आपके सामने यहाँ सबूत है, प्रूफ है, सबूत है, ये क्वेश्चन में कहाँ सील है, देखिए इसका यहाँ मिलाइए, इसका बुलेट नंबर मिलाइए,
यहाँ देखिए दो परसेंट से भी आप उतना बड़ा बोल रहे हैं तो गलती हो सकता है। यहाँ एक ही क्वेश्चन सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। गुड मॉर्निंग भैया, बढ़िया और सब ठीक है भैया? आए थे परेशान कर दिया मनोज भैया, सब कुछ आंधी भी जिसके लिए पढ़ रहा है, मर रहा है, घर छोड़ के रह रहा है, वही से बर्बाद करके रखेगा। लड़का को रहना में रांची में कितना परेशानी उसको, ये लोग को बुझा रहा है, सब लड़का तरस हो गया, सब लड़का।